लोकप्रिय गायक मशहूर अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आज इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल काशी विश्वनाथ दौरे और मंदिर में डमरू बजाने पर गीत गाते हुए कहा कि डमरू अब बचने लगा है, भाजपा 300 के पार जा रही है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। मनोज जी, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आए, रोड शो निकाला, विश्वनाथ मंदिर में जाके दर्शन किए, डमरू बजाया उन्होंने, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से, जिस तरह का उनका कॉन्टेक्ट टच है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। ये जो सत्य सनातन संस्कृति का जो दीप जला रहे हैं, वो उसके लिए पूरे पिछले 5000 वर्षों का हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों संतों महात्माओं का जो पुण्य संचित हुआ है, उसकी प्रतिफल है नरेंद्र मोदी। किसी देश के प्रधानमंत्री ने आपको ऐसा दृश्य नहीं दिखाया होगा कि प्रधानमंत्री गंगा जी में नहा रहा हो, प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हो। ये वही कर सकते हैं जिसपे साक्षात शिव की कृपा हो। ऐसा लगता है कि पूरा की पूरा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और खास तौर से वाराणसी काशी की जितनी भी सीटें हैं, ऐसा लगता है सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कल वो BHU गए, छात्रों के साथ चाय पी, रेलवे स्टेशन गए, कैंट जाके वहां के लोगों से बात करी, एक लोगों से बात करी उन्होंने। देखिए, मैंने गीत गाया है कि डमरू अब बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, भारत का इतिहास कोई गढ़ने लगा है, पर डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। मंदिर, डमरू, बंसी, गलियां, काशी, ये सब एक इशारा है, और इशारा को कोई राजनेता आज के दिन में कोई ऐसा विपक्ष में नहीं है जो इस भाव को समझ सके। इस भाव को भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आखिरी सवाल सर मनोज जी, क्योंकि आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या आपको आप जब चुनाव प्रचार के आखिरी समय में आप पहुंच चुके हैं? चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल।